नाजरीन, आज मैं आपको गैगा मॉल का इनसाइड व्यू दिखाऊंगा कि वो किस तरह दिखता है। ये गैगा मॉल रवात रोड पर वाकिया है और ये डीएचए के बिल्कुल साथ ही है। मेरी पिछली वीडियो में जिस रोड पर मैं आ रहा हूँ, ये वही रोड उसी रोड पे ही आता है। ये सेंटोरस से एक लिहाज से बड़ा है। सेंटोरस वर्टिकली यानी ऊंचाई में जो है वो बड़ा है, लंबा है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये हॉरिजेंटली बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर बेसमेंट है जिसमें पार्किंग की बहुत बड़ी जगह है, और इसके अलावा 4 फ्लोर हैं आई थिंक, जिसमें सबसे टॉप फ्लोर पे खाना भी है और बच्चों के खेलने के लिए गाड़ियाँ वगैरह भी हैं और तरह तरह की गेम्स जो है ना वो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें ब्रांड्स भी हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स होते हैं शूज़ के या कपड़ों के या मोबाइल्स के, वो सब यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर आपको जिस तरह एक बाज़ार में आपको चीज़ें मिलती हैं तो उसी रेट पे आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन आप ब्रांड्स में ख़रीदना चाहते हैं तो ये ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर पे मुख्तलिफ चीज़ें ब्रांड्स जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, इससे आप ख़रीद सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है और मैं कहूँगा कि ये ऑल इन वन है, क्योंकि इसमें तकरीबन सब चीज़ें हैं, पार्किंग, खाने पीने की चीज़ें, बच्चों के खेलने की जगह, और जो है सबसे टॉप फ्लोर पे तो अभी इन्होंने एक खोल दिया है उस चीज़ को, जो बिल्कुल अगर वहाँ आप खाना खाएं तो एक मोनाल जैसे लगता है, जैसे आप मोनाल में बैठे हैं। ऊपर मोनाल पे जो है इस्लामाबाद में जो है ना पहाड़ों पे वाकिया, तो वो उस तरह की फीलिंग आती है। तो ये काफ़ी अच्छा मॉल है, यहाँ इसको विज़िट करने के लिए बहुत पिंडी से और बहुत दूर दूर KPK से भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मॉल है, आप आएँ और यहाँ इसको विज़िट करें, और ये बहुत ही बड़ा और खूबसूरत मॉल है। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, लिहाजा जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि मुकम्मल इसको वीडियो में कैप्चर करना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये मॉल दिखा सकूं। तो इसके अलावा इस मॉल में इवेंट्स भी होते हैं, बड़े बड़े सिंगर आते हैं और जो लोकल सिंगर हैं पाकिस्तानी वो भी यहाँ के परफॉर्म करते हैं, और इस तरह न्यू ईयर हो गए और तरह तरह के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ मतलब सिंगर्स वो यहाँ आते हैं। तो ये काफ़ी मतलब है कि इसमें रौनक होती है, और मुझे तो सेंटोरस से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सेंटोरस तो बस सिर्फ एक ऊंचाई ऐसे लगता है जैसे बस एक बिल्डिंग है, छोटी सी एरिया बहुत कम है और बस सिर्फ ऊपर ही जाते जाएं सीढ़ियों पे। तो ये बहुत बड़ा है, यहाँ आप एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाएं तो आपको बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा ये 3-4 मंजिल तक तो है, और अभी तो नया जो बिल्कुल टॉप पे खुला है फ्लोर, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, हवा चलती है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू लाइट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है मॉल है।
यहाँ अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ जो है ना गाड़ियाँ भी आती हैं और कुरंदाजी भी होती है। अब ये बिल्डिंग्स जो हैं इसके साथ मेरे ख्याल में गमाल के साथ बन रही हैं, तो उसके प्रमोशंस के लिए या उसको दिखाने के लिए यहाँ एक लगाया गया है, टेबल लगाई है जिसपे इसका बिल्कुल जो है ना डिज़ाइन दिखाया गया है कि किस तरह का ये डिज़ाइन होगा। ये गमाल से थोड़ा सा साइड्स पे जो है ना इस तरह की बन रही है बिल्डिंग्स, और इस तरह की जो सड़क होगी और पार्किंग होगी कुछ एरिया होगा, ये भी DHA के अंदर ही आता है। तो ये DHA है क्योंकि DHA के साथ टच है, और ये रावत रोड है। आप इसी रास्ते से आ सकते हैं, गूगल सर्च कर लें गूगल मैप के थ्रू। और इसकी शेप जो है वो बिल्कुल एक कश्ती की तरह है, और ब्लू ग्लासेस हैं बिल्कुल, देखें और दूर से लगता है जैसे बिल्कुल एक उसकी कश्ती की तरह इसको शेप दी गई है। खाने वाले हैं, लास्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ये पानी के बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये गेगामाल, स्मॉल गेगामाल है, यानी इसी में दिखाया गया है कि गेगामाल किस तरह दिखता है।